इस वीडियो में मोटो जी 13 और मोटो जी 14 का जो है कंपेयर करके दिखाएंगे। हालांकि ये मोटो जी 13 ही है, इस कैमरा को इधर से हटा दे तो कंपेयर करके आपको बताएंगे कि जी 13 से जी 14 में क्या अपग्रेड आया है। और ये 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था जी 13, और 3 महीने बाद जी 14 लॉन्च कर दिया गया है, सेम प्राइस पॉइंट रखा है। एक्चुअली मैं आपको बताएंगे एक्चुअली कैसा डिफरेंस रहेगा और क्या कुछ डिफरेंट है जी 13 से जी 14। सबसे पहले इसका प्राइस जान लेते हैं। जी 13 और जी 14 का जो 4GB 128GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस ऑफर को छोड़ के 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। डिफरेंट ये है, 4GB 128GB वाला जो जी 13 है इसका जो है स्टोरेज जो है eMMC वाला है, और जो जी 14 है उधर आपको जो है UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा। फ़ोन में थिकनेस और वेट में भी चेंजेस किया गया है, आप इधर चेकआउट कर सकते हो। पुराने में 8.19mm का था और अभी जो है 7.99mm का है। वेट में भी ऑन 82 ग्राम्स का था पहले और अभी सिर्फ ऑन 77 ग्राम का है, मतलब कि थोड़ा पतला और लाइट किया गया है। एक और चेंजेस है, इधर आपको जो है ARM माली G52 MC2 GPU वाला देखने को मिलेगा, और इधर जो है आपको ARM माली G57 MP1 GPU देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आते हैं तो जी 13 में आपको 6.5 इंच का HD+ 90Hz रिफ्रेश रेट का जो है डिस्प्ले मिलता है, वही पे जी 14 में आपको 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले में मिलता है, लेकिन इधर जो है आपको 60Hz का जो है रिफ्रेशमेंट मिलता है। मतलब कि जी 14 में आपको जो है अपग्रेड तो मिलता है कि आपको फुल HD मिलता है, लेकिन जो है 60Hz का रिफ्रेश रेट है। कैमरास की बात करें तो जी 13 में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा दिया गया है, 50MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है, और सामने की तरफ आपको 8MP का फ्रंट कैमरा। वहीं पर जी 14 में आपको 50MP का जो है मेन कैमरा और 2MP का जो है मैक्रो कैमरा दिया गया है, डेप्थ सेंसर नहीं दिया गया है लेकिन काम जो है कर लेगा मेन कैमरा से। और इसमें भी आपको जो है 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो कैमरा वाइज जी 13 में मुझे लगता है कि थोड़ा एडवांटेज है अगर आप कैमरा के नंबर के हिसाब से देखें, लेकिन कैमरा में आपको फैसिलिटी सेम ही मिलेगा। वहाँ पे भी आपको जो है फ्रंट कैमरा में दोनों में ही 8MP का मिलता है। प्रोसेसर में आते हैं तो जी 13 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, वही पे जी 14 में आपको UniSoC टाइगर T616 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। और मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं तो G85 ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना वाला प्रोसेसर है तो ऑप्टिमाइज ज़्यादा आएगा जो है रियल लाइफ में, लेकिन वो वाला प्रोसेसर T616 भी कम नहीं है, दोनों ही सिमिलर है। एंड तो बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो G85 जीत जाता है थोड़े स्कोर से, तो देखा जाए तो सिमिलर ही है दोनों प्रोसेसर। अभी मैं क्या बताऊँ भाई, अगर इस तरह का प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा देता G85 से, ये वाला प्रोसेसर भी कम नहीं है लेकिन थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा देता तो सचमुच अपग्रेड हो जाता है। एक्चुअली दोनों फ़ोन में ही 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाएगा जो टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, लेकिन जी 13 जब लॉन्च हुआ था कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया था तो पता लगा था कि जी 13 जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस जी 13 में बॉक्स में कोई भी फास्ट चार्जर नहीं था, सिर्फ 10 वाट का चार्जर था, लेकिन जी 14 में मेंशन कर दिया गया है कि 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और चार्जर भी 20 वाट का बॉक्स में ही दिया गया है जी 14 में। दोनों फोन में ही एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है, जो आपको बहुत हद तक क्लीन एक्सपीरियंस देगा। मोटो वाले आपको नियर स्टॉक एक्सपीरियंस देता है, उनका कुछ फीचर्स भी ऐड करके देता है, जैसे कि इस तरह का जो है सेक करके जो आपको जो है फ्लैश लाइट ऑन ऑफ बाकी के भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो ये हद तक दोनों फोन में ही सेम है। दोनों फोन में ही 4G सिम सपोर्ट करता है, जी हाँ, और 2 सिम कार्ड, 1 माइक्रो SD कार्ड, मतलब कि ट्रिपल सिम कार्ड आप लगा सकते हो, दोनों में ही सेम है। दोनों में ही ड्यूअल स्पीकर डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करता है, ये भी सिमिलर है, लेकिन आपको जो है जी 13 में ब्लूटूथ वर्सन 4.2 और जी 14 में ब्लूटूथ वर्सन 5.0 थोड़ा अपग्रेड वाला देखने को मिलता है। तो भाई जी 13 या फिर जी 14 दोनों फोन में से कौन सा वाला ले, प्राइस तो सिमिलर ही है, तो सिंपल सा आंसर है जी 14 आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप जी 14 की तरफ ही देखिए, क्योंकि वहाँ पे अपग्रेड किया गया है बहुत सारे कुछ। और हाँ, अगर आपको जी 13 का वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट है इस चैनल में, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया है, तो आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि जी 13 में जो चीज़ें दिया गया है कैमराज वगैरह, वो जी 14 में भी आपको मिलेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो।